डी ट्रिपल एस स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे एचटेक पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2021 के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया था, ठीक है। तो इसमें डिटेल में बात करेंगे सिर्फ पीजीटी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम के इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो पहले तो हम बात करें एग्ज़ाम फीस की। तो हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के लिए तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है लेवल 3, तो हरियाणा वालों के लिए फीस है एस सी एंड पी एच के लिए 500 रुपये, ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट एस सी एंड पी एच ऑफ हरियाणा नोवा सेल 1000 रुपये, और अदर स्टेट वालों के लिए भी 1000 रुपये। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये 15/11 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है कल शाम से। इसके लास्ट डेट की बात करें तो 25 तारीख इसके लास्ट डेट है, और जो करेक्शन आप कोई भी इसमें कर सकते हैं तो वो 26 से लेकर 28 तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपके पोस्ट से मतलब आपके घर पे सेंड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको लॉगिन करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये देख सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स। तो इसमें पहले ही मेंशन है हर चीज़ में कि रेगुलर होने चाहिए। तो कोई भी कमेंट करके ये ना पूछे कि डिस्टेंस है ओपन से है तो हम एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो, सिर्फ रेगुलर डिग्री, ठीक है। एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी रेगुलर कोर्स विद 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और प्लस टू बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसके साथ ही कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो इसमें आपको बीएड नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी डिग्री है रेगुलर में अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। 55 मार्क्स आपके होने चाहिए और आपकी 10th में 12th में या फिर हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए, या फिर बीए में आपने जो भी किया उसमें हिंदी होना चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी की बात। तो इसमें अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये देख सकते हैं पीजीटी इसके लिए 150 मार्क्स का आपका जो है टेस्ट है। तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, उसके बाद है लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का सेक्शन आएगा ये। इसके साथ ही जनरल स्टडीज़ का थी, इसमें क्वांट आएगी, रीजनिंग आएगी और हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। और आपका जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑप्शन है ये सेक्शन है, तो ये 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे आपके 150 मार्क्स हो गए। तो आपकी ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें पासिंग मार्क्स क्या है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए तो जो जनरल कैटेगरी और जो अदर स्टेट के जो बच्चे उनके लिए 60% मतलब 90 मार्क्स चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी हरियाणा की उनके लिए 55% यानी कि 82 मार्क्स चाहिए, और आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये 18/12 और 19/12, ठीक है, लेवल 1-2-3। तो इसमें स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो लेकिन जो एचटेट के जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं हर बार के, जो पहली एग्ज़ाम डेट होती है तो उसमें पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसमें 18/19 है, तो आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 18 तारीख को होगा। तो हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एचटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर्स फ्रॉम द इशुएंस डेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर ऑल लेवल्स, ठीक है। तो अब जो ये गलत फहमी मत रही कि लाइफ टाइम है, तो अभी लाइफ टाइम कुछ नहीं है। बोर्ड का काम है पेपर लेना और आपकी सर्टिफिकेट जारी करना, उसके बाद जो भी कुछ डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो एज ऑफ नाउ एज ऑन टुडे आपकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 7 साल ही है। तो सेंटर की बात करें तो सेंटर आएगा आपका हरियाणा में और होम डिस्ट्रिक्ट में। तो जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनकी जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हरियाणा की, तो उनमें उनका सेंटर आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ये वेबसाइट पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर आपको नोट्स चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए कंप्यूटर साइंस टीचर के और जो एचटेट के, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।